शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज की ये पत्रकार वार्ता हाथरस की गुड़िया के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके समाज के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बातचीत करने के लिए बुलाई गई है। इस पूरे मामले को, इतने बड़े मामले को जिस तरह से योगी जी आरोपियों को बचाने में जुटे हुए हैं, जिस तरह से इस पूरे मामले को डाइल्यूट किया जा रहा है, मैं एक खबर आपको दिखाना चाहता हूं। आज जो प्रकाशित हुई है, और ये खबर क्या कह रही है ये आप देखिए, शर्म आती है। इस तरह से शर्म आती है कि इस तरह का युवती की मां और उसके भाई को ही हाथरस की गुड़िया में के मामले में हत्यारा बताने की कोशिश की जा रही है। यानी जिसका परिवार न्याय के लिए तड़प रहा है, जिसका परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, जिसके पक्ष में पूरा देश खड़ा हुआ है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उस गुड़िया की मां ने और भाई ने ही हत्या की। और इस घटना से और पिछले जो दो चार दिनों से चल रहा है, इससे मन बहुत आहत है। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, आपको दलित समाज से इतनी नफरत क्यों है? क्यों आप उनको इतना अपमानित कर रहे हैं? उनका दोष क्या है? उनका अपराध क्या है? वाल्मीकि समाज हो, जाटव समाज हो, सोनकर समाज हो, आज वो पूरे देश में आक्रोशित है, गुस्से में है, अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी योगी जी आप उनको न्याय नहीं दे रहे हैं। उनके पक्ष में पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरे, मीडिया में भी इसको लेकर आवाज उठी, और आप उल्टा उसी परिवार को फंसाने पर लग गए। शर्म आती है योगी जी, शर्म आती है कि जो गुड़िया चीख चीख कर दरिंदों का नाम बताकर इस दुनिया से गई, आज उसका चरित्र हनन किया जा रहा है। चरित्र हनन, शर्म आती है। मैं दो बातें सिर्फ कहना चाहता हूं, दो बातों से आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। नंबर एक, कोई भी हत्या के मामले की जांच, बलात्कार के मामले की जांच मजाक से नहीं चलती है, मनगढ़ंत कहानियों से नहीं चलती है, योगी जी आपके तोड़ने मनोड़ने से नहीं चलती है। जांच चलती है तथ्यों के आधार पे, एविडेंस के आधार पे। और जो सबसे बड़ा प्रमाण है, नंबर एक, हाथरस की गुड़िया का डाइंग डिक्लेरेशन, यानी मरने से पूर्व दिया गया उसका बयान, जिसमें उसने बताया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। क्या कारण है आपके पास उस बयान को न मानने का, जिस बयान को सुप्रीम कोर्ट भी मानता है? क्या कारण है आप बताइए? यह कारण है कि वो दलित समाज से आने वाली एक गरीब बेटी थी? यह कारण है कि आप आरोपियों को बचाना चाहते हैं? एक गरीब बेटी की आह और उसकी पुकार और उसके द्वारा दिए गए बयान को आप सुनना नहीं चाहते? योगी जी बताइए क्या कारण है? उसका डाइंग डिक्लेरेशन है जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है मरने से पूर्व दिया गया बयान सबसे बड़ा एविडेंस माना जाएगा, नंबर एक। और नंबर दो, मैं आप लोगों को अभी ये रिपोर्ट देता हूं, मेडिको लीगल रिपोर्ट दीजिए आप। यह है अलीगढ़
मेडिकल कॉलेज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के डॉक्टर की 22 सितंबर की रिपोर्ट, इसको कोई अखबार क्यों नहीं छाप रहा है, इसको कोई मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है, इसको कोई टीवी चैनल क्यों नहीं दिखा रहा है जिसमें 22 तारीख 22 सितंबर को रेप की पुष्टि हुई है। यह है वो मेडिको लीगल रिपोर्ट, यह है वो मेडिकल रिपोर्ट जिसमें रेप की पुष्टि हुई है, इसको नहीं दिखाया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, एक तरफ उस हाथरस की गुड़िया का बयान है, दूसरी तरफ ये 22 सितंबर का जब वो अस्पताल में थी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में थी, अलीगढ़ में थी, उस समय की उसकी मेडिको लीगल रिपोर्ट है, चिकित्सीय जांच की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि उसके साथ रेप हुआ है, रेप की पुष्टि हुई है। ये दोनों बातें आप नहीं मान रहे, इन दोनों बातों को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और दुनिया भर की आप बातें कर रहे हैं कि साहब अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी और दंगा भड़काना चाहते हैं, नफरत फैलाने, क्या क्या बातें आप कर रहे हैं, कहां इस पूरी जांच को लेकर जा रहे हैं योगी जी अपनी राजनीति के चक्कर में। उस परिवार का अपराध यह है कि वो एक गरीब दलित परिवार है, इसलिए आज उसको सब मिलकर अपमानित करने पर लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब ये दो बड़े प्रमाण आपके पास हैं, तो क्या कारण है कि अभी भी उस गुड़िया का चरित्र हनन किया जा रहा है, रात में 2 बजे जबरन उसकी लाश जला दी जाती है। मैं संस्कार नहीं कहूंगा क्योंकि संस्कार तो हुआ नहीं, मां बिलखती रही एक बार चेहरा तो दिखा दो, संस्कार नहीं हुआ योगी जी, उसको जला दिया आपके प्रशासन ने, पेट्रोल छिड़क के जला दिया, सारे एविडेंस मिट गए, सारे प्रमाण सबूत मिटा दिए, फिर कह रहे हैं रेप नहीं हुआ। तो ये दो जो उस गुड़िया का बयान था और जो ये मेडिकल रिपोर्ट है, ये दोनों क्या है, ये दोनों रिपोर्ट, ये दोनों क्यों नहीं मान रहे आप, क्या कारण है आपके पास, और आपकी नियत में खोट बहुत साफ तौर पे समझ में इसलिए आता है कि सुशांत सिंह राजपूत का जब मामला होता है, सीबीआई जांच का आदेश होता है, एक दिन में नोटिफिकेशन हो जाता है, दूसरे दिन में सीबीआई की टीम जांच करने पहुंच जाती है, लेकिन इस गरीब दलित परिवार की गुड़िया को जब न्याय दिलाने की बात आती है, तो 7 दिन हो गया सीबीआई जांच के आदेश की बात कहे हुए आपको योगी जी, 7 दिन के बाद भी आज तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकला, इसका मतलब आपके अपनी एसआईटी के माध्यम से आप उन आरोपियों को बचाना चाहते हैं और इस पूरे मामले पर पर्दा डालना चाहते हैं, इस पूरे मामले को खत्म करना चाहते हैं। और ये वही अखबार है जिसने आज ये रिपोर्टिंग की है, याद कर लीजिएगा, ये वही अखबार है जिसने जम्मू के कठुआ में भी यही बताया था कि रेप तो हुआ ही नहीं। कठुआ का ये रिपोर्टिंग याद कर लीजिए, ये वही लोग हैं जिसमें कठुआ के बलात्कारियों को सजा भी हुई, लेकिन यही अखबार था जो कह रहा था कि उसमें तो रेप हुआ ही नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा, जांच के 2 बड़े एविडेंस जानबूझकर उसको नजरअंदाज करके उस गुड़िया का चरित्र हनन किया जा रहा है, उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, इनसे निष्पक्ष न्याय की उम्मीद करना बेकार है। और अभी तक सीबीआई जांच का आदेश, उसका नोटिफिकेशन ना करना, यह साबित करता है कि सरकार इस मामले पर पर्दा डालना चाहती है, नहीं चाहती कि सीबीआई जांच होके बहुत सारा तथ्य और सच सामने आ सके। और हम लोग इसलिए बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में सीबीआई जांच होनी चाहिए और इस राज्य से बाहर इसकी सुनवाई होनी चाहिए,
तभी इसमें न्याय मिल पाएगा। मुझे इतनी बात कहनी थी, आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। देखिए ऐसा है कि वहां जिस तरह से प्रशासन मिलके और रोज एक नया बवाल कराने पे लगा हुआ है, जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी घटना होगी तो तुरंत इल्जाम विपक्ष के ऊपर लग जाएगा कि यहां जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हल्ला हंगामा बवाल कराएंगे ये लोग जानबूझ के, उसका ब्लेम। इसलिए हम चाहते हैं इसमें जल्द से जल्द इसकी एक निष्पक्ष जांच की कार्रवाई शुरू हो, और उसमें दो ही तरीका है, इस राज्य में सुनवाई करना न्याय नहीं मिलेगा इसलिए इस राज्य के बाहर सुनवाई होनी चाहिए, और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। 7 दिन हो गया अभी तक सीबीआई की इंक्वायरी का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ, सबसे बड़ा सवाल तो यह है। नहीं, विपक्ष सरकार के मुकदमों से डरने वाला होता तो मैं तो यहीं बैठा हूं, 14-14 मुकदमे लिख चुके हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ये जानबूझ के वहां बवाल करेंगे, क्योंकि ये दूसरों को जरूर कह रहे हैं, इनका इतिहास दंगाई पार्टी का है, इसलिए ये वहां बवाल करेंगे और उसका सारा ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ेंगे। मतलब इतना सा ही है, मुकदमा उकदमा कोई मतलब नहीं, मुकदमा हो, लाठी हो, जेल हो, तो आज करें, मैं तो यहीं मौजूद हूं लखनऊ में, 14 लिखा है, 1400 लिखे हैं, मैं तो कई बार कह चुका हूं। नार्को टेस्ट में आरोपी परिवार तैयार है लेकिन पीड़ित परिवार नहीं तैयार है, सरकार का ये आरोप है कि तमाम मीडिया के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया कि गलत रिपोर्टिंग हुई और नेताओं के ऊपर भी लगाया। नार्को टेस्ट क्या योगी जी कर सकते हैं? आप सब बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप बताइए, उनको पावर है नार्को टेस्ट कराने की? नार्को टेस्ट ऑर्डर होता है कोर्ट के माध्यम से, नार्को टेस्ट कोई योगी जी के घर का आदेश नहीं है कि लिख के दे दिया कि हां आप जाओ नार्को टेस्ट करके आओ। नार्को टेस्ट कोई योगी जी के या उनके अधिकारियों के लिखने से थोड़ी होगा, तो कोर्ट का ऑर्डर होगा ना। आप जांच तो शुरू कराइए, आपने तो 10 दिन 7 दिन हो गया अभी तक आपने जांच नहीं शुरू कराई, नहीं सीबीआई का नोटिफिकेशन आपने जारी नहीं किया। क्या मंशा हो सकती है जो जांच नहीं करवाना चाहते? बार बार मैं कह रहा हूं, पहले दिन से कह रहा हूं, आरोपियों को बचाना चाहती है सरकार, और मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सोच दलित विरोधी है। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि वो न्याय नहीं करना चाहते हैं उस परिवार के साथ, और इससे इससे सारा का सारा जो दलित समाज है, देश के जो संवेदनशील लोग हैं, जाटव है, वाल्मीकि है, सोनकर है, पासी है, इन सारे लोगों के मन में गुस्सा है, नाराजगी है, आम आदमी इसमें न्याय चाहता है, और ये नहीं चाहता कि आप इस पूरे मामले को लटकाते जाइए। दो एविडेंस तो सामने रख दिया मैंने, मेडिको लीगल रिपोर्ट डॉक्टर की है 22 सितंबर की, इससे बड़ा क्या एविडेंस हो सकता है? उस लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि सबसे बड़ा एविडेंस होता है, मरने से पूर्व दिया गया बयान, और आप उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई बात नहीं हो सकती। जो व्यक्ति खुद जातिवादी और धर्म की राजनीति के नाम पे दंगे फसाद नफरत फैलाने का काम जो पार्टी करती है, उस पार्टी के लोग इस तरह की बातें बोले तो हंसी आती है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप ईमानदारी से निष्पक्षता के साथ इसकी जांच कराइए और उसमें बाधा मत उत्पन्न कीजिए और अपनी थ्योरी मत लगाइए आप उसमें। परिवार दोषी है और वही उन्होंने ही हत्या की, इस तरह की थ्योरी आप क्यों आप लोग प्लांट कर रहे हैं? क्यों ये प्रशासन के और योगी जी के इशारे पे क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है? मेरा तो सीधा सवाल ये है भाई, मेडिको लीगल की रिपोर्ट है डॉक्टर की 22 सितंबर की, और दूसरा उस बच्ची का डाइंग डिक्लेरेशन है, मरने से पूर्व दिया गया बयान, इन दोनों बयानों को ना मानने के पीछे कारण क्या हो सकता है? कोई मुझे समझा दे। और उससे भी ज्यादा जो चरित्र हनन जो कि जिस तरीके से किया जा रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है।